विकास आपसे एक व्यू सरकारी बैंकों पर भी लेना चाहेंगे। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं काफी अच्छा रुझान यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इन स्तरों पर कोई स्टॉक है आपको जो पसंद आ रहा है? तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर सरकारी बैंक की बात करूँ तो यूनियन बैंक जो है अभी भी एक पॉजिटिव रुझान में यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, ऊपर की तरफ अभी भी वो पकड़ के रखा है। मुझे लगता है यहाँ से वापस 78-80 की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है, और जिस हिसाब से आज मार्केट में जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है अभी भी इस काउंटर में एक स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है। प्रीवियस जो इसका टॉप था 70 का उसने ब्रेक कर चुका है, तो 78 के लिए यूनियन बैंक मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से और भी ऊपर की रेंज आएगी। 70 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, जिससे यहाँ पे अगर उसके नीचे आता है तो आएगा। ओवरऑल अगर देखो तो बड़े जो लार्ज पीएसयू बैंक में SBI वो एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट जो छोटे पीएसयू बैंक में जो मोमेंटम कैरी हुआ है उसमें मुझे लगता है यूनियन बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बजाज हेल्थ केयर की, यहाँ पर देखिए एक खबर आ रही है, वडोदरा स्थित API प्लांट को USFDA से मंजूरी मिल चुकी है। ये बाजार खुलने के बाद खबर आई और उसके बाद हमने स्टॉक पर एक रिएक्शन भी देखा। जैसे ही खबर आई स्टॉक में 423 तक की तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे आए, लेकिन अभी भी 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट पिछले एक महीने का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में करीब करीब 20% की तेजी देखने को मिल चुकी है। क्या लग रहा है आपको विकास, जिनके पास है बने रहना चाहिए इस स्टॉक में बजाज हेल्थ केयर में, या फिर निकल जाए? देखो ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखो वीकली चार्ट में तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे क्लियरली देखने मिला है। 394 का यहाँ पे ब्रेकआउट था, वो उसने वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट कर चुका है, उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, 394 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है ये अगर आप देखो तो लास्ट 4-5 मंथ का अगर आप ट्रेड देखो तो ये इस रेंज में जा चुका था, 400 तक ये ऊपर में हाई कर रहा था, आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है अभी भी इसमें एक स्ट्रेंथ बनी हुई है ऊपर में 450-460 ये रेंज यहाँ पे ओपन होते हैं देखने मिल सकती है, तो मुझे लगता है इसको बाय करके जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं, तो 394 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिलेगा वापस, तो उस सपोर्ट से इसमें बाइंग करते सकते हैं। नीचे अगर रिट्रेस भी होता है 400 के आसपास तो उसको बाय कीजिए 394 के स्टॉप लॉस से 400-450 के लेवल के लिए।